चलिए मैं आपको पहले चलता हूँ बाबा खिल साहब के लिए जहाँ पे बनावट ले रहा हूँ उसके रेस्ट रूम में जहाँ बाबा जाके रुकते हैं। ये बाहर का दृश्य है, इनकी रसोई है, ये मेन गेट है इनका, ये बाहर का दृश्य है, ये इनके बाहर वाला गेट है जो आप देख रहे हैं, ये कूलर लगा है इनके लिए। अब मैं देखो कमरे के अंदर चलते हैं, ये मेन कमरा है, ये बाबा जी के लिए जब आते हैं रेस्ट करने के लिए लगा हुआ है, और उसके अटैच में बाथरूम है, और ये वाला पंखा लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं, और दो चेयर रखी गई है इसके साथ ही। रसोई की व्यवस्था की गई है, ये टप्पड़ है इधर, और ये देखो ये वाला बिल्कुल सिंपल रूम है, और रसोई है, ये जब भी आते हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाता है, जैसे भी था वैसे ही जो आप देख रहे हैं। यहाँ सभी सात संगत बाबा जी के दर्शन करने के लिए स्पेशल रुकते हैं, और ये विशेष रसोई बनाई गई है उनके लिए। मैं ले चलता हूँ आपको, इस रूम को मैं बंद कर देता हूँ। इस साल ही पहले बनाया गया था, ये पास में गांव पड़ते हैं इधर, जो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। और ये इसके नीचे सबसे पुराना कमरा, नीचे और दीवार जो आपने सामने देख रहे हैं ये सबसे पुरानी दीवार है, और ये पहले मिट्टी की बनी हुई थी, धीरे धीरे उसको ऊपर मिट्टी की परत को उखाड़ दिया। यहाँ महात्मा जी रहा करते पहले, और ये बाबा जी कुटिया आप बाहर से देख सकते हो जहाँ बाबा जी रहते हैं, और ये कमरा, ये भी पुराना है, काफ़ी पुराना है, यहाँ पे कोई भी प्रेमी रहता है, इसके साथ भी लेटरिन बाथरूम अच्छे बने हुए हैं। और आप देख सकते हो एक इधर, और एक बाबा जी जब दर्शन के लिए आते हैं तो सभी को लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि ऐसा ना हो कोई भी दर्शन करके ना जाए, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये है रूम, सभी के लिए बनाए गए हैं, और आपको रूम के लिए अंदर ले चलता हूँ।